तेलंगाना विधान परिषद में कल प्रश्नकाल के दौरान जनगांव के बतकमा गुटा तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले पर राज्य सरकार द्वारा किए गए जवाब के प्रति असंतोष जताते हुए इस मामले की न्यायिक जांच करवाने से इनकार करने पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य पी सुधाकर रेड्डी के प्रश्न का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री महमूद अली ने स्वीकार किया कि जनगांव के बतकमा गुट्टा तालाब की 3855 वर्ग गज शिखम भूमि और 976 वर्ग गज पट्टा भूमि पर अवैध निर्माण किया गया है और इसकी सरकार को जानकारी है। उन्होंने बताया कि तालाब की भूमि पर मंदिर का निर्माण किया गया है और मंदिर का मुद्दा धार्मिक मामला है, इसलिए इस पर जल्दबाजी से कार्य नहीं किया जा सकता। उन्होंने पूरक प्रश्न पूछते हुए कांग्रेस दल के नेता शब्बीर अली द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर कोई IAS अधिकारी किसी को भी प्रताड़ित नहीं कर रहा है। आप बोलो सब। रेवेन्यू रिकॉर्ड और खासरा पानी के मुताबिक अध्यक्षा, बतकम्मा कंटा सर्वे नंबर 85 जनगांव विलेज में अध्यक्षा, जो गवर्नमेंट शिकम लैंड की हैसियत रखता अध्यक्षा, अध्यक्षा यहाँ पहले से एक मंदिर थी अध्यक्षा, वो शिकम लैंड के अंदर पट्टा लैंड भी होता है अध्यक्षा। यहाँ पर जो है जुमला 20 एकड़ 3 गुंटे टोटल लैंड है अध्यक्षा, उसमें 10 एकड़ 33 गुंटे पट्टा लैंड है, 9 एकड़ 10 गुंटे शिकम लैंड है अध्यक्षा, जिसमें इस वक्त 3 एकड़ 26 गुंटे पर पार्क बनाया गया अध्यक्षा, 16 गुंटे पर ट्रैक एरिया रखा गया अध्यक्षा और 4 एकड़ 16 गुंटे पर तालाब मौजूद है अध्यक्ष। इस पर वो जमीन वो मंदिर बना था, मंदिर की थोड़ी एक्सटेंशन हो गया अध्यक्ष यकीन में, और जो शिकम लैंड में जो पट्टा लैंड होता अध्यक्ष उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करते, उसमें 6 मकान बना गया अध्यक्ष, 2 डबल स्टोरी है बाकी सिंगल फ्लोर बने हुए, डेफिनेट उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है अध्यक्ष, डेफिनेट डिमोलिश किया जाएगा। मंदिर का मसला अध्यक्ष ये मजहबी मसला अध्यक्ष, इसे एक बार जब बन जाता है, जितने बड़े बड़े तालाब है, जितने बड़े बड़े नदी है, उसके बाद हर जगह मंदिर है अध्यक्ष, लोग वहां पर पूजा करके स्नान करते हैं अध्यक्ष, उसका एहतराम करते हैं अध्यक्ष, ऐसा नहीं कि मंदिर बन गई तो मंदिर को करने के लिए। अलबत्ता जो एक आप जो बता रहे हैं, जो हमारे एक ट्रस्ट बना था अध्यक्ष, MLA उसके चेयरमैन रहना, बल्कि वो MLA नहीं, कोई भी MLA जिस वक्त प्रेजेंट MLA रहेगा और वहां का जो काउंसलर रहेगा, वो तीनों मिलकर वहां पे उसकी मस्जिद की देखभाल करेंगे। हर जगह ऐसा होता है अध्यक्ष, मस्जिद बनो उसकी कमेटी बनती है, मंदिर बनो उसके ट्रस्ट बनता है। तो क्वेश्चन नंबर